नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से हर फेस्टिवल पे करता है कुछ खास, तो हाल ही स्वतंत्रता दिवस आने वाला 15 अगस्त, 15 अगस्त के हम लोग 75 साल पूरे कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के, हम लोग मना रहे अमृत महोत्सव के रूप में। तो कहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं लोग मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस बूस्टर डोज लगवा करके, कहीं पे हर घर तिरंगा लहरा के मना रहे हैं। तो इस समय हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, नगर कार्यालय में हमारे साथ में नगर उपाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव जी हैं। तो उनकी क्या तैयारी है और पार्टी की क्या तैयारी है, आपका स्वागत है सर जी। मैम नमस्कार, मैं मनीष श्रीवास्तव अपने क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस का जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने लाला लाजपत राय वार्ड के सभी लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं। सर जी ये बताइए, हाल ही में निकाय चुनाव है, पार्षदी के चुनाव, तो उसकी क्या तैयारी रही? पार्षदी की चुनाव की तैयारियां मैं कर रहा हूं, इसी नवंबर या दिसंबर में होना है मैम। तो हम लोगों ने हमने अपना बैनर पोस्टर वगैरह लगाना शुरू किया। अभी हम रिसेंटली जो है शिविर भी लगा रहे हैं बूस्टर डोज का, जो कि हमारा 13 तारीख को लगने जा रहा है। उस पर हमने बूस्टर डोज अपने कार्यालय अपने क्षेत्र में लगाने का वो किया है, यानी कि क्षेत्र को स्वस्थ बनाने का भी मुहिम आपने आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल, क्षेत्र को साफ सुथरा रखना, ग्रीनरी लगाना, पार्क की साफ सफाई रखना, नाली को ध्यान रखना। अभी बारिश में काफ़ी मैंने देखा था कि नालियाँ सब भर गई थी, लोग बहुत परेशान थे उससे, उसको भी ठीक कराना है मुझे। अभी आपके क्षेत्र का पार्षद किस पार्टी से? अभी हमारे क्षेत्र के पार्षद हमारे बीजेपी से हैं, बीजेपी से राघोराम तिवारी जी हैं। तो क्या वो सही से आपके क्षेत्र में कार्य नहीं? अभी तो देखिए उन्होंने किया, अब उनका 5 साल हो गए हैं और बारिश के उसमें काफ़ी परेशानियां लोगों को देखनी पड़ी, पार्क में बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अब तो मुझे उनका छोड़ के अपना देखना कि मैं क्या बेटर और अच्छा कर सकता हूँ। तो अब तो पार्षदी का चुनाव, इसके पहले भी आपने अपने क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान दिया? ये बीच बीच में हम लोग कैंप लगवाते रहते हैं, हम लोग का इतना बड़ा यूपी महोत्सव भी लगता है और साथ में साफ सफाई, और बीच बीच में हम लोग छोटे मोटे सारे प्रोग्राम करा करते हैं, जैसे कोरोना काल पे लोगों को वो करना, तो इस तरह की चीज़ें तो हमारी छोटे छोटे प्रोग्राम चला ही करते हैं। सर विधानसभा चुनाव था तो उसमें भी आम पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी के खिलाफ, तो हाल ही में निकाय चुनाव है, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से बीजेपी को टक्कर देगी और आगे चल करके लोकसभा के चुनाव भी? देखिए आम आदमी पार्टी इसलिए टक्कर दे सकती है क्योंकि अब इस समय जो है बीजेपी को टक्कर से आम आदमी पार्टी ही दे सकती है, क्योंकि और कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है। हम लोग सबको देख लिया, अब आम पार्टी को भी उत्तर प्रदेश वाले देखते हैं, तो ये चाहेंगे हम लोग को एक बार मौका दे के देखें। हम लोग आम लोग हैं और आम आदमी पार्टी अगर आम लोगों से बनी है तो आम लोग ही आगे बढ़ें। मेरे साथ और भी आम लोग जो घर में हैं, जो नेता नहीं है, जो आगे आएँ और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करें और उसको जिताएँ। आम जनता अगर आम पार्टी को अपने क्षेत्र में लेकर के आती है तो क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? देखिए बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, एक तो साफ सफाई का मुद्दा है, साथ में मोहल्ला क्लिनिक है, और जो लोगों की समस्याएं हैं, सड़कें हैं, पार्क हैं, जो रोजगार है उस पर कितना कार्य करें? देखिए आम आदमी पार्टी अगर पूरे उसमें आती है तो रोजगार हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सब पे तो काम हम लोग के मुद्दे बड़े लेवल पे हैं, और हमारा तो अभी निकाय चुनाव है तो छोटे से ही शुरुआत होती है। तो जो मैं निकाय चुनाव से देख सकता हूँ, जैसे शुरू से जो हम लोग नीचे से काम करेंगे तो ऊपर के काम अपने आप ही दिखने लगेंगे लोगों को। तो जिस तरीके से हर घर तिरंगा को लेकर के हर पूरे देश में एक अलग सा महोत्सव है, उत्सव भी है, तो हर घर तिरंगा को लेकर के आपकी क्या तैयारी? देखिए अभी हमारी आम आदमी पार्टी 14 तारीख को तिरंगा यात्रा निकलवा रही है, और उसमें मैं सभी से निवेदन करूंगा सब लोग भारी संख्या में हमारे कार्यालय पहुंचे पतकापुरम पे और हमारी तिरंगा यात्रा में सपोर्ट करें। तिरंगा यात्रा हम लोग ने रखी है 14 तारीख को। 14 तारीख को तरीके बीजेपी के कई भी कार्यकर्ता भी निकाले तिरंगा यात्रा, तो आपकी तिरंगा यात्रा में क्या विशेष है? देखिए तिरंगा यात्रा हम लोग पहले भी निकालते रहे हैं, और हम लोग को तिरंगा, एक तो 15 अगस्त है उस दिन सही नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी वो रहता है रुक रुक, तो 14 तारीख को हम लोग तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं और लोगों को एकजुट होने का भी वो कर रहे हैं कि एक साथ देश का जो है सम्मान हो, और जो 75वां हम लोग का स्वतंत्रता दिवस है इसको हम लोग रैली निकाल के सेलिब्रेट करें। सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? जी जो ये स्वतंत्रता दिवस है इस पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और सब अपने घर में एक तिरंगा लहराएं और सब एक दूसरे से मिलकर रहें। तो
तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नगर उपाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं हर घर तिरंगा को लेकर सबकी क्या तैयारी है, तो बहुत समाज सेवकों से हमने बात करी, कहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग बूस्टर डोज लगवा करके 75 साल आज़ादी का जश्न मना रहे। तो हमारे साथ में थे मनीष श्रीवास्तव जी आम पार्टी से। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स